तक कैमरा लाइट से आ जाए। फ्रंट में फूल कर ले और वो मोटर भी कितना वाला उतार ले तब लाइट आ तब तक तो दिखो ना कि मतलब लाइट आ वही है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चलिए सही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू द वीडियो। और आज मैं वीडियो का शूटिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो आपका ब्लॉगर बाइक चला रहा है, सॉरी स्कूटी चला रहा है। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं एक वेडिंग पार्टी में, जो कि मेरे पापा के फ्रेंड के और उनके ब्रदर की वेडिंग है। तो हम लोग जा रहे हैं उनकी वेडिंग में। एंड हम लोग जाने का प्लानिंग था जस्ट हुआ, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है, आप लोगों को पता है पापा के दोस्तों ने तो बहुत मन से कहा था कि आने को, दैट्स व्हाई हम लोग जा रहे हैं। एंड अभी जाने के रास्ते पर ही है, देन वहाँ पर जैसे पहुँचेंगे तो मैं आप लोगों को और भी स्टार्ट करके दिखा दूँगा। बहुत ही शांत भरी रास्ते देख सकते हो। एंड बहुत ही हम लोग बहुत ही एक विलेज एरिया में आए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। एंड और आगे का ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग एंजॉय करना। अभी फिलहाल तो मैं स्टार्टिंग करके रखा हूँ, जैसे होगा मैं आप लोग को बताते चलूंगा। यहाँ लोग इतनी अजीब तरह से देख रहे थे इसलिए मेरे को कैमरा नीचे करना, बाकी एंड तक देखना मजा आएगा। थैंक यू, बाय। यहाँ मुझे कुछ और बोलना चाहिए, इधर मैं अभी कुछ और बोल के आ चुका हूँ यहाँ से। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ उनको। मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए था बट मैंने कुछ और बोल के आ गया है, बोल के निकले मैंने। फिर इसके बाद इसका भाई कुछ ये बोल रहा है, भाई तो कॉफी चाय उसका नंबर। अभी देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आ रहा है ना, तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा था। और अंदर जाने के बाद पता नहीं अलग ही सा रिएक्शन आने लगा था, इसलिए मैंने अभी कुछ करा ही नहीं। बट शादी में तो कॉफी नहीं पीता, क्या किया एक आर होती, तो अभी बस कॉफी लेते हैं। सही बना रखा होगा, आई डोंट नो को ऐसा लग रहा है बट कॉफी सच में बड़ा मस्त है। एक बात बताता हूँ, जिम से आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब ना कोई प्रोटीन ना कुछ, बस जो टेक कर रहा हूँ अभी ये कॉफी है और देखते हैं अंदर क्या है। अगर कुछ ऑयली हुआ तो पक्का नहीं खाने वाला क्योंकि सच में कुछ टेक नहीं करा और कुछ खाया नहीं है। टेक कुछ ज़्यादा जाता है, इंग्लिश कुछ ज़्यादा फेंकना नहीं है क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा शो ऑफ करना बेटर ही नहीं है। ज़्यादा ऑकर्ड फीलिंग तब होता है, पता नहीं आपको मेरा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मैं ज़ोर से बोल नहीं पा रहा क्योंकि आसपास आदमी, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। बट जो भी है समझ लेना थोड़ा सा। और मैंने इसमें माइक लगा के नहीं ले गया क्योंकि अगर माइक रहता तो अलग ही रिएक्शन आता, इसलिए सोच रहा हूँ कि चटपटा जो है ना थोड़ा खा लेते, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा इतने से चलेगा क्योंकि ठीक है ना, सब तब ऐसे भी खाता तो हमने, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता, तो थोड़ा सा खा लेते हैं। मस्त यार, फेस का अलग ही सीन हुआ पड़ा है। जब आया था तब कुछ अलग ही, मतलब फेयर कुछ ज्यादा बेटर हुआ पड़ा था, बट अभी तो कुछ ज्यादा अलग ही सीन हुआ पड़ा है। और मैं उधर से एकदम ही व्लॉग नहीं करा हुआ था पता है, मतलब इतना ज्यादा साउंड आ रहा है ना बॉक्स का, मतलब क्या बताऊं यार। जैसे भाई मैं वहाँ पे व्लॉग ही नहीं करा था क्योंकि मेरा आवाज कम पहले ही आपको समझ में आ रहा, पता नहीं कैसा साउंड आ रहा था पहले भी, मैंने शूट पता नहीं करा, एडिट करते वक्त ही पता चलेगा। तकरीबन टाइम अभी हो रहे हैं 10:22 और आया हुआ था तकरीबन 9:20, एक घंटे हो गया, एक घंटे से तकरीबन ये 3 टाइम है जहाँ पे लोग चले गए, हम लोग थर्ड टाइम में हम जाके बैठ रहे हैं, अभी जाके सीट मारते हैं, बट कोई नहीं ठीक है। शादी इसमें होती है इतना। मैंने जो ट्राइपॉड लेके आया था ना, मैंने ट्राइपॉड बैग गाड़ी में रख दिया क्योंकि हाथ में लेके ना यहाँ पे खाने वाने में प्रॉब्लम होता, अगर कहीं रख देता, अगर फोन उसमें रहता गिर भी जाता तो और एक सीन हो जाता। एक बात बताना था आपको, यहाँ पे जब मैंने लड़की को दिया ना गिफ्ट, वो लड़की का हस्बैंड यहाँ पे नहीं था, सिर्फ लड़की बैठी हुई थी। मैंने सोचा इसको तो अकेला, क्योंकि हस्बैंड रहता तब ना देने में, मैं तो थंबनेल निकालता, बट क्या करें निकालना पड़ रहा है। और
इसलिए मैं थंबनेल भी नहीं निकाल रहा था, तो बस यही कुछ बताना था मैं बताओ। अरे यार वो डल सा, मैंने कुछ क्रीम वीम कुछ भी नहीं लगाया ना, सिर्फ फेस वॉश करा देन बस रेडी से डिपो। जिसकी शादी में अगर फ्रूट्स है तो वो पक्का इनवाइट करना, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रूट्स नहीं था। मेरे को फ्रूट्स का कुछ ज़्यादा लवर हूँ, पता नहीं है पता। हाँ मेरे को फ्रूट्स चाहिए था, बट एनीवेज ठीक है थोड़ा। और भाई साहब गिफ्ट लेने में इतना ज़्यादा मतलब टाइमिंग लग रहा था, मैंने मतलब क्या लूँ क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सा भी नहीं लेना था और ज़्यादा छोटा सा भी नहीं लेना था, मतलब ऐसा लेना था जो दे सकूँ आराम से, बट ठीक ठाक गया। मैं आपको नहीं देखा पाया क्योंकि दे दिया तब तक मैंने। सो एनी वेज ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें मार्क्स लगा के ज़्यादा बेटर था, विदाउट मार्क्स बट मार्क्स लगा के ज़्यादा बेटर था। अब पता नहीं अभी भी मेरा साउंड आपको आ रहा है कि नहीं, और देखा था आपको भेट के आई एम सॉरी मत समझ मैंने कुछ आ रहा कि, बट क्या करूँ वो एकदम सामने बैठी हुई है और मैं मेरे को ज़्यादा जूम करना था, मैं वहाँ कर रहा था, मैं इसको फोकस ही नहीं कर, बट अभी मैंने जब वीडियो प्ले करा था तब मैं देख रहा हूँ जो ये भी, अगर ये ब्लॉग देख रहे तो सॉरी, मैंने ऐसा इंटेंशन नहीं था मैंने कुछ करने का, बट एनीवेज ठीक है। यहाँ पे जैसे शादी में आते हैं तो लगता है कि अपना अपना पन, बट यहाँ पे आने के बाद ना इतना ज़्यादा अकेलापन लग रहा है ना, मतलब किसी से पहचान नहीं, किसी को पहचानता नहीं, बस जो पापा के फ्रेंड में उनको पहचानता हूँ, और एक दो लोग हैं जो उनको मतलब वो जिनको बोला उनको पापा के फ्रेंड, तो ये पहचानता है उनको, तो मैं तो नहीं पहचानता, इतना ज़्यादा ऑकवर्ड से फील हो रहा था ना, मतलब कसम से यार। शादी में तब सबसे पहले क्या बोलते हैं, खाना देव रे भाई लोग, वो मीम से आता है ना, खाने को देव रे। मैं चिल्ला के भी नहीं बोल सकता क्योंकि पागल भाई बोलेंगे सारे पागल बोलेंगे मेरे को याद भी नहीं था 3 तारीख यहाँ पे आना है, नहीं तो मैंने सबसे पहले पता ये इसको कटा था, देन इसको कटा था, ये छोड़ छोड़ तो पत्ता पड़ा बना इसको कटा था, देन कुछ यहाँ पे आया जाता है। यहाँ पे कुछ अलग ही रिएक्शन हो रहा है, पता है क्या, किसी को तो ब्लॉग भी करता नहीं है, बट जो भी है मैं ही कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई किसी को तो पता भी नहीं है मैं करके आ रहा हूँ एग्जैक्टली, किसी को जानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, तो रिएक्शन इतना गंदा सा आ रहा है ना, मतलब कसम से। वो लोग तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रही है, जान जरूरी है कि तुम्हारे बारे में बातें करे। बड़े यूट्यूबर बनोगे तब बातें करेंगे, बड़े यूट्यूबर बनेंगे तो हमें ही से मिलने आएंगे बाद में और क्या। रो रहा था ना जो एक भी शादी का इनविटेशन नहीं है, बट अभी एक आया हुआ है और एक दोस्त का है जो कि आशीष है, मैंने बताया था बहुत टाइम पहले, आई थिंक शायद मैंने ब्लॉगिंग उस टाइम स्टार्ट भी नहीं करा था, तब मैंने एक दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका था जो अब उसी का शादी है, मतलब कसम हमारे एज का है बट वो शादी कर रहा है, बट दैट्स व्हाई, इसलिए क्योंकि वो सेटल्ड है और हम अभी सेटल्ड नहीं है। तकलीफ होती है, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। देखते हैं हम भी कब तक सेटल होते हैं, शायद मेरा नौकरी वोकरी में कोई इंटरेस्ट है ना ही कोई बिजनेस में, देखते हैं यूट्यूबिंग कहाँ तक खींच पाते हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो पक्का। बैठे हुए तक मैं 11:10:18 में बैठा हुआ था तकरीबन, और तकरीबन 18:36:18 हो चुके हैं पूरे, 18:20 मतलब आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ऑलमोस्ट आधे घंटे, बट अभी तक कुछ नहीं आया नहीं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि उन्हें तकलीफों नाल डील करना। फाइनली और मेरे को जहाँ तक पता है यूट्यूब पे लिपसिंग करने में भी ज्यादा कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, पता हो जैसे मैंने अभी गाना गाया ना वो गरी आ गई जिसका मुझे, सेम अगर मैं यही गाऊँ ना तो इसका भी कॉपीराइट आ सकता है, तो बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता, मेरे को ये पता नहीं था, बट जो मिस्टर इंडियन एक्टर का मैंने जब वीडियो देखा ना तब मेरे को पता चला सारा इसका भी कॉपीराइट आता है, गजब गजब बेइज्जती है। प्लेट को साफ करना जरूरी है, इसलिए साफ कर रहा था, पता नहीं प्लेट साफ हुआ हुआ था, पन्नी से रैप करके फटके आता है, बट फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। जैसे शादी में अगर फ्रूट्स है, अगर कैटरिंग सिस्टम में फ्रूट्स है तो प्लीज इनवाइट मी, अगर अलीपुर से हो या फिर शायद आसपास कुछ भी से हो तो पक्का, मेरा इंस्टाग्राम तो नीचे मिल जाएगा। अरे रोज ही फ्रूट्स खाता हूँ, रोज ही सुबह सुबह रोज रहता है, और मैं जिम में सप्लीमेंट क्यों लेता हूँ क्योंकि मैं फ्रूट्स में मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, दैट्स व्हाई मैं नहीं लेता,
और शायद मेरा मैं शायद जिम छोड़ने वाला हूँ, पता नहीं कब, पर जिम छोड़ने वाला हूँ, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने वाला हूँ। सिर्फ दाल भात पापड़ और सैलड सा है, इंसान उसे स्टार्ट हो चुका है, पर मेरे को अभी खाने का मन नहीं कर रहा। कुछ सब्जी है कुछ मिल जाता तभी स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ देखो देखा तो यहाँ पे सारे लोग कैसे स्टार्ट हुए पड़े। सभी टैलेंटेड है। खाना खाते वक्त अगर फोटोग्राफर आपको फोटो क्लिक ना करे तो कैसा इंडियन कल्चर है एग्जैक्टली देखा था आपको। खट्टा नहीं खाना, डर लग रहा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और अपना स्कूटी जरा भीग चुका है पूरा, फॉगी फॉगी, हाँ बहुत सब कुछ ये सीन है यहाँ का, यहाँ से क्योंकि बहुत रात हो चुका है और अभी उतना और ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा पूरा ही ज्यादा ये है। सबसे पहले मास्क पहन लेते हैं तो चलते हैं अभी यहाँ से। बस शादी में असली मजा तब आता है जब अपने दोस्त का या अपने भैया या किसी की शादी हो और उसमें अपना ही स्वैग रहे। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे किसी से पहचान किसी से है नहीं, तो इसीलिए शोकेश खाने लिए शादी वादी जा रहा कुछ खत्म, अब बस घर पहुँचते हैं। अब पता नहीं लंबा कितना लंबा ज़्यादा ब्लॉग बना होगा, आई डोंट नो, और मैं पता नहीं कितने सारे लाइन्स को मैंने डबल बोल दिए होंगे। कितना शमशान मतलब खुला रास्ता, मतलब कितना डर लग रहा था मेरे को उधर, सो यही कुछ बातें मैंने शायद डबल बोली होंगी। बस अभी फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, पहुँचने वाला मतलब एकदम स्टेशन के सामने, जिसको भी नहीं पता मेरा घर एकदम स्टेशन के सामने ही है। तो बस अगर आपको व्लॉग पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, शायद तो जिम अभी तो बंद होने वाला है, मतलब मैं बंद करने वाला हूँ, सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और आपका तो गुड मॉर्निंग होगा, सो बाय, गुड मॉर्निंग।